हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने टेक हेल्प इन हिंदी यूट्यूब चैनल पर। आज की मेरी इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको लूना के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट देने वाला हूं। तो चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों बेल आइकन के साथ जो ऑल नोटिफिकेशन का बटन होता है उसे ज़रूर दबाइएगा, तभी आपको चैनल पर डाली जाने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेगी। आपको देखिए, ये वीडियो मैंने परसों डाली थी, उस वक्त इसका कॉइन का प्राइस लूना का $6 था। उसी वक्त बताया था $1 सोना और USDT का 20 सेंट के आसपास था, जबकि अब के 2 सेंट तक भी पहुंच चुका है। अभी जो रिसेंट न्यूज़ आई है बाइनेंस की तरफ से, ये देखिए, ये बिल्कुल अभी 7:30 बजे आई है, मतलब आधे घंटे पहले की खबर होगी। देखिए, लूना एंड USDT ट्रेडिंग रिज्यूम, जबकि बाइनेंस ने इसकी ट्रेडिंग हॉल्ट कर दी थी, अब उसकी ट्रेडिंग को दोबारा से रिज्यूम कर दिया। जैसे ये रिज्यूम की न्यूज़ निकल कर आई है, देखिए ये 7 बजे से ये रिज्यूम कर दी गई है दोबारा से लूना BUSD और USDT BUSD, क्योंकि अब इसको बचाने के लिए, USDT और लूना को बचाने के लिए काफ़ी लोग आ चुके हैं, बैकर्स इनके आ चुके हैं। ठीक है, अभी तक तो फिलहाल यही है, बट एक्चुअली जो इनकी सप्लाई है, इनको सप्लाई अपनी बर्न करनी पड़ेगी, अदरवाइज ये तो पॉसिबल नहीं है। ये तो इन्होंने देखिए यहाँ पर क्या कहा, क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग सब्जेक्ट टू हाई मार्केट रिस्क, ये तो लूना ने हमें खैर दिखाई दिया है, हम चलते USDT के प्राइस पर। अब आप देखोगे 13 करीब करीब 14 सेंट तक पहुंच चुका है इसका प्राइस, ये बिल्कुल एकदम स्पाइक हो रहा है, यानी कि जो इसने लास्ट जो डिप लिया था वहां से भी अगर बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 167% ये पंप हो चुका है। और अगर हम अभी ये रिसेंट कैंडल जब से इसकी अपडेट हुई है तो करीब करीब इसने अप्रोक्स 22% का प्रॉफिट गेन कर लिया है। देखिए, मैंने आपको कल भी कहा था, आपके पास अगर कोई स्पेयर फंड है तो आप इसके अंदर डिपॉजिट करके छोड़ सकते हो। जिन्होंने अगर वो स्पेयर फंड इसके अंदर अभी डिपॉजिट किया होगा $50 से $100, जिसकी हमने कॉल भी दी थी $50 के आसपास की, खैर उससे काफ़ी ज़्यादा नीचे भी आया है, बट वो पैसा उसके लिए था कि आप छोड़ दो। ठीक है, अभी जैसे ही बाइनेंस की ट्रेडिंग रिज्यूम करने की न्यूज़ आई है, ऐसे ही करके काफ़ी सारे एक्सचेंजेस की तरफ से भी आ सकती है, और अगर इनकी लूना टीम की तरफ से कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है, ठीक है, हम एक बार उसको भी जरूर चेक कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि बाइनेंस ने इसको रिज्यूम किया, बहुत बड़ी बात है। बाकी इन्होंने ऑफिशियली हाल्टेड एट ब्लॉक, इस ब्लॉक पर। हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगा, एक न्यूज़ और निकल कर आ रही है, मैं आपको उस पर भी जरूर लेकर चलूँगा, वो ज़रूरी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी न्यूज़। आपको यहाँ पर ये न्यूज़ दिखाई होगी, देखिए यहाँ पर इस न्यूज़ का मतलब क्या है, द कम्युनिटी इज डिसाइडिंग ऑन अ न्यू टेरा मनी। ठीक है, न्यू टेरा मनी मतलब कि नया टोकन, बिटवीन रिस्टोरिंग अ स्नैपशॉट। ठीक है, स्नैपशॉट लिया जाएगा प्रायर टू अटैक, अटैक से जो ये अटैक हुआ या जो डंप हुआ उससे पहले, रिमूविंग TFL, फुल्ली कोटलाइजिंग USDT एंड ड्राफ्टिंग एंड डेलिब्रेटिंग न्यू मैकेनिज्म फॉर लूना। सिंपल सा फंडा है, जिस दिन ये अटैक हुआ था या जहाँ से डंप होना इसका शुरू हुआ था, करीब करीब $88 से डंप होता ही जा रहा है, तो मेरे हिसाब से अब ये नया टोकन जनरेट करेंगे या और जो इनकी नई ब्लॉकचेन रिस्टोर करेंगे, जो इनकी पुरानी जिस पर अटैक हुआ है उसके बदले, और जो नया टोकन ये जनरेट करेंगे उसको वो एयर ड्रॉप के फॉर्म में देंगे उनको, जिनके पास किसी एक्सचेंज में, किसी वॉलेट में, चाहे कि इन्होंने स्टेक किया हो, क्योंकि लॉस तो सभी का हुआ है। तो अब ये देखना पड़ेगा कि टोकन किस फॉर्म में देते हैं, USDT के फॉर्म में या लूना के फॉर्म में, और उसकी वैल्यू क्या रहेगी, ये आगे चलकर ही हमें पता चल पाएगा। पर ये चलिए, एक उम्मीद ये है कि ये इसका थोड़ा सा रिकवर हो सकता है। जैसे ये न्यूज़ निकल कर आई, आप देख सकते होंगे कि USDT का प्राइस इतना अच्छा खासा पंप हो चुका है, आप यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली देख रहे होंगे। मेरे हिसाब से अगर ये इसको क्रॉस करके जाती है तो करीब करीब मुझे लगता है तो यहाँ तक इसको जाना चाहिए। चार्ट एनालिसिस कोई काम नहीं करेगी, सिर्फ इस पर न्यूज़ काम करेगी USDT के ऊपर। अगर हम बात करते हैं लूना कॉइन की, चलिए एक बार हम लूना को भी देख लेते हैं। लूना 5 डिजिट के अंदर भी जा चुका था, अभी हम देखेंगे लूना का प्राइस। यहाँ पर तो भाई ये शो ही नहीं कर रहा, ये तो ख़त्म हो गया, ये लूना प्राइस ख़त्म हो गया है। क्यों ख़त्म हो गया है? मेरे हिसाब से क्योंकि जो इसका अनाउंसमेंट हुआ है, ये देखिए यहाँ पर अभी करंट प्राइस है 4x03536, जबकि ये 1 जीरो इसका और ज़्यादा बढ़ चुका था। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप इसके अंदर अगर चाहो, ठीक है, मैंने आपको कल भी कहा था $10-20 ज़्यादा से ज़्यादा $10 डाल के छोड़ दो। अगर आप $10 इसके अंदर इन्वेस्ट करते हो तो आप देख सकते हो कि 2,85,714 आपको लूना टोकन मिल सकते हैं अभी। और अगर बाई चांस ही अपने ओल्ड, ये सिर्फ ₹1 का भी हो जाए तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो आपका $10 कितना बेनिफिट दे सकते हैं। मैं कह रहा हूँ अगर आपका ये 1 सेंट का भी होता है तो भी आप $285 बना जाओगे $10 के। ठीक है, बस मेरी ये
पैसा वही लगाएं जो आप खो सकते हो, और ऐसे ही आपको यूएसटी के अंदर भी चाहें तो आप यूएसटी के अंदर भी इन्वेस्ट करना चाहें, इन्वेस्ट कर सकते थोड़ा सा अमाउंट, $10-20, यानी कि आप ये समझ लें 10 कॉइन लेके छोड़ दीजिए छुट्टी, ठीक है, कुछ तो देके जाएगा आपको, 10 के $100 तो देके जाएगा। अगर ये बढ़ता है यानी कि $1-$1 तक वापस आता है तो आपको $5-$7-$8 तक ये दे जाएगा, ठीक है दोस्तों। साथ साथ कवर करते हैं BTC को। BTC का साथ करंट प्राइस है आप देख सकते होगे, BTC का साथ जो करंट प्राइस है, थोड़ा सा चार्ट आपको लगेगा ज़्यादा ही कंजेस्टेड है, बट ये हमारे यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न था, यहाँ से जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ है यहाँ से हमारी एंट्री, ऑलरेडी हमारी एंट्री तो 25,000 के आसपास से हमारी एंट्री चल रही है, ठीक है। तो यहाँ से आप देखोगे हम अभी 21% के प्रॉफिट पर, इसी टाइम में इथीरियम, सोल, BNB, मैटिक, AVX, इन कोइंस को भी इसके साथ ही, BCH, इन सब कोइंस को भी इसके साथ ही लेता, और सभी के सभी अभी 20 से लेके 50% प्रॉफिट पे। मैटिक ने तो 100% तक का भी प्रॉफिट हमें इसमें दे दिया है, ठीक है। BTC का ये है, आपके पास जो नेक्स्ट जो हमारे पास टारगेट है 31 से लेकर 31 के आसपास, अगर ये क्रॉस कर जाता तो फिर उसके बाद हमारे पास सीधा टारगेट 32,822 रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास एक BSV है, इसका मुझे थोड़ा सा फॉर्मेशन अच्छा लग रहा है, देखिए यहाँ पर भी इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना हुआ है, यहाँ से इसने ब्रेकआउट किया, यहाँ पर आपको एक फ्लैग भी दिखाई दे रहा है। तो हमारे पास जो रीसेंट टारगेट है 5960 का है, ठीक है, जो हमारे पास रीसेंट टारगेट हमें जो दिखाई दे रहा है, अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हेड एंड शोल्डर पैटर्न, तो हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास जो दूसरा टारगेट हमारे पास 62 के आसपास का हमारे पास BSV के अंदर टारगेट। अब चलते हैं हम इथीरियम के ऊपर, इथीरियम में भी देख रहे होगे आप, यहाँ पर आपको एक पैटर्न जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये मेरा दिन का पैटर्न था, अब इसके बाद थोड़ा सा पैटर्न का डिज़ाइन भी तो करीब करीब चेंज होगा। यहाँ पर आप देखोगे, ये देखिए, ये रहा असेंडिंग ट्राइंगल का जो टारगेट हमारा, आप देखोगे, ठीक है, ये देखिए, ये करीब करीब हमारा 50% से प्लस हमारा टारगेट हिट हो चुका है, जब यहाँ पर आप लोगों को ऑलरेडी इसके बारे में बताया गया था, और ये करीब करीब 6-7% प्रॉफिट अर्न कर लिया। अगर हम यहाँ तक की देखते हैं, मतलब 65% का टारगेट करीब करीब इसके अंदर हिट भी हो चुका है। अगर हम बात करते हैं इथीरियम के अंदर, जो मेरा अभी रिसेंट टारगेट है वो है 2200 का, मेरे पास रिसेंट टारगेट है इसका इथीरियम का। दोस्तों देखिए, USDT प्राइस काफ़ी अच्छा पंप होता जा रहा है, यहाँ पर आप देखोगे क्या बढ़िया पंप हो रहा है, वीडियो बनाते बनाते ही ये 14 से लेकर 16 तक आ चुका है, ठीक है, काफ़ी अच्छा पंप होगा। 48% की तो सिंगल कैंडल 1 घंटे के अंदर पंप हो चुकी है, ठीक है। तो ये था, मैं कहूँगा $10-15 एक्स्ट्रा पड़े हूँ तो आप इसके अंदर डाल सकते हो, बाकी आपके फंड के ऊपर आपके पास कितना एक्सेस पड़ा है देख सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।